लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षर, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया। आइए नजर डालते हैं अभी की ताजा खबरों पर। कमलनाथ सरकार आने के बाद विपक्ष विभिन्न मुद्दों को लेकर लगातार कांग्रेस पर बना रहा है दबाव। राव विधानसभा के भाजपाइयों ने किसान आंदोलन के तहत जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। इंदौर में जमीनों के जादूगरों ने एक ही प्रॉपर्टी कई लोगों को बेची। पीड़ितों ने लसूरिया थाने में दर्ज करवाई शिकायत, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यात्रियों की सुविधाओं के लिए रेलवे इंदौर में ला रहा नए नए प्रोजेक्ट। रेलवे स्टेशन पर लगाई जाएगी 100 एलईडी टीवी। कमलनाथ सरकार आने के बाद विपक्ष विभिन्न मुद्दों को लेकर लगातार कांग्रेस सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में औद्योगिक शहर इंदौर में राव विधानसभा के भाजपाइयों द्वारा किसान आंदोलन के तहत जिला प्रशासन को सीएम कमलनाथ के नाम विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। बता दें कि शुक्रवार को इंदौर की सभी ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के भाजपा समर्थित किसानों द्वारा अतिवर्षा के कारण खराब हुई फसलों के मुआवजे को लेकर प्रशासनिक मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। इसी के चलते भाजपा नेता मधु वर्मा, जीतू जिराती और भाजयुमो अध्यक्ष मनस्वी पाटीदार व महिला मोर्चा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में राव विधानसभा के लोग किसान जिलाधीश कार्यालय पहुंचे और एसडीएम को सीएम कमलनाथ के नाम ज्ञापन सौंपा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। इंदौर में जमीनों की हेराफेरी करने वाले ठगोरे हर दिन नई कहानियों के साथ नए आरोपी सामने आ रहे हैं। यह जमीन के सौदागर एक ही प्रॉपर्टी को कई लोगों को बेच दिया करते थे। इसकी शिकायत पीड़ितों ने लसूड़िया थाने में दर्ज करवाई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। लसूड़िया थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद फरियादियों ने मीडिया को बताया कि आरोपी धर्मपाल टेक चंदानी के साथ उसका बेटा धीरज और निखिल चौधरी द्वारा करोड़ों रुपए का घोटाला कर गरीबों के जीवन भर की कमाई लेकर फरार हो गए। आरोपी पर पूर्व में भी जमीन की हेराफेरी और एक ही प्लॉट कई लोगों के नाम से रजिस्ट्री करवाने के मामले अन्य थानों में भी दर्ज हैं। पूर्व में भी उज्जैन पुलिस ने धर्मपाल टेक चंदानी के घर छापामार कार्रवाई की थी, लेकिन आरोपी घर से फरार हो गए थे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की धरपकड़ के लिए टीम गठित कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। स्वर्गीय श्री हरिलाल जी कोशिश है, मैं उज्जैन का निवासरत हूँ। 2014-15 में जो है मैं यहीं पर ही आया जाया करता था, तो मुझे प्रॉपर्टी लेने का इच्छुक था मैं। उस समय जो है मुझे मोहम्मद भाई ने जो है मुझे संजय परमार नामक व्यक्ति से मिला जो कि प्रॉपर्टी का डीलिंग करता था। फिर संजय परमार के माध्यम से हम धर्मपाल टेकचंदानी और निखिल कोठारी और उनके धर्मपाल टेकचंदानी के जो लड़के धीरज टेकचंदानी, उनसे हमारी मुलाकात है। उन्होंने मुझे जो होराइजन प्रीमियम पार्क गुलमोहर के यहाँ पर मुझे एक फ्लैट दिखाया, मल्टी जब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। उन्होंने मुझे ब्राउज़र सहित बताया कि 15 लाख रुपए ले दीजिए मुझे, और बोले मुझे कंप्लीट में आपको ये ब्राउज़र जिसमें जिमनास्टिक भी रहेगा, जिम भी रहेगा और अंदर जो है पार्किंग वगैरह सारी फैसिलिटी, स्विमिंग पूल वगैरह सब रहेगा। और मुझे सब्जी बाग दिखा के बताया कि आप अभी 15 लाख रुपये दे दीजिए, बाकी जो है बाद में आपको डबल पैसा हो जाएगा इसका, और ये फ्लैट में आपको 6 महीने के अंदर कर दूंगा। तो 15 लाख रुपये सर मैं इनको बहकावे में आया, लालच में आया और सब्जी बाग इन्होंने मुझे दिखाए। उस चक्कर में सर इन्होंने मुझे 15 लाख रुपये मैंने उज्जैन अपने निवास रहन कार्यालय पे मेरे दिए, और जब देने के बाद में जब मैंने रजिस्ट्री का बोला तो ये मुझे हमेशा देते रहे कि मैं अभी आ जाऊँगा, कल करवा दूँगा, मेरा लोन क्लियर हो जाए, ये मुझे बताते रहे। उसके बाद जब मैंने 6 महीने 7 महीने 1 साल 2 साल इनका वेट करा, फिर जुलाई 2019 में जब मैं गया तब मैंने देखा कि इन मेरे प्लेट पर जो है इनके निरंजन शर्मा, शशीष शर्मा जो है इनके नाम की प्लेट लगी हुई है, नेम प्लेट लगी हुई है। तब मुझे मालूम पड़ा कि फिर मैं वहाँ पर रोने लग गया। मेरी ज़िंदगी भर की जो कमाई थी वो इन लोगों ने मेरे से लूट ली 15 लाख रुपये। और जब मैंने निकाला, मैंने भाई साहब से भी मिला जब, तो मुझे मालूम पड़ा कि यही प्रॉपर्टी इन्होंने 2-3 लोगों को बेच दिए। तब मुझे इनका अपने जाल का इनका पर्दाफाश हुआ, और भविष्य में ये जो आगे कहीं भी है लोगों के बता रखते हैं कि बोले आदरणीय पंकज संघवी जी का नाम लेते हैं जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उनको बताते हैं कि बोले कि हम उनसे जुड़े हुए हैं, जबकि मुझे वास्तव में मालूम है कि वो लोग ऐसा नहीं है कि उनसे ये मिलकर ऐसा काम करेंगे। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि सर हम सभी लोगों को न्याय मिले, और जो है जिन व्यक्ति के खिलाफ 4-4 FIR हो चुकी है उन्होंने जो है कानून की ताक पर रखा है और कानून को जो जूते की नोक पर रख रहे हैं वो। इंदौर को लगातार 3 बार #1 का खिताब मिलने के साथ ही अब रेलवे स्टेशन को भी #1 बनाने का कार्य
तेजी से चल रहा है। यात्रियों की सुविधाओं के लिए रेलवे नए नए प्रोजेक्ट्स ला रहा है, जिनमें जल्द ही रेलवे स्टेशन पर 100 LED लगाई जाएगी, जिससे यात्रियों का मनोरंजन हो सके। रेलवे PRO जितेंद्र कुमार जयंत ने बताया कि रेलवे स्टेशन पर LED लगाने के साथ ही विशाखापट्टनम स्टेशन की तर्ज पर ही यात्रियों के लिए गेम जोन बनाने का प्रोजेक्ट भी है, जिस पर भी रेलवे जल्द ही काम शुरू करेगा। इसके लिए टेंडर भी जारी किए जाएंगे ताकि यात्रियों का मनोरंजन हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, News 29 इंडिया। देखिएगा, भारतीय रेलवे पे हम लोग गौर करें तो यात्री सुविधा के तहत नई नई चीज़ें यात्री सुविधा के तहत ईजाद की जाती हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने कुछ टाइम पहले इंदौर स्टेशन पे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे एक हेयर सैलून की ओपनिंग की थी, वो भी एक तरह का मध्य प्रदेश में एक नया स्टेशन पे एक नया कार्य था। इसके साथ में हम लोग इंदौर स्टेशन पे यात्री सुविधा के लिए, यात्री मनोरंजन के लिए करीब 100 LED TV का भी प्लान कर रखे हैं, जो स्टेशन पे ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुकी हैं, उसको बस चलाना है। उसके तहत जहाँ भी यात्री खड़ा हुआ है वहाँ पे उसको सारी इन्फॉर्मेशन रेलवे संबंधी मिलेगी, साथ में मनोरंजन के लिए भी कुछ उनको मिलेगा, और इसके साथ में जो विज्ञापन है वो भी उसके साथ दिखाए जाएंगे। तो कुल मिला के इसका प्लानिंग है। और इसके साथ में एक और प्रोजेक्ट प्लानिंग कर रहे हैं कि जैसे कि विशाखापट्टनम के एक स्टेशन पे जो गेमिंग जोन है, क्यों ना इंदौर स्टेशन पे वो प्लानिंग किया जाए, तो उसके तहत भी उस पर कार्य चल रहा है। जैसे ही उसकी जो पूरे नीति कार्य देखी जाती है और उसे फुलफिल होती हैं, तो उसके ऊपर टेंडर किया जाएगा और उसके बाद में उसको लागू किया जाएगा। राजगढ़ जिले के खिलचीपुर की गाड गंगा नदी के छोटे पुल को पार करते समय पानी के तेज बहाव में एक 11 साल का बच्चा पुल के नीचे गिरकर पानी में डूबने लगा। बच्चे को डूबता देख बोहरा समाज के एक साहसी युवक असगर अली ने बिना सोचे समझे पानी में छलांग लगा दी और बच्चे को सकुशल बाहर निकाल दिया। राजगढ़ जिले के खिलचीपुर में बारिश के चलते गाड गंगा नदी उफान पर है। पुल पर 2 फीट पानी होने के बावजूद लोग नदी के पुल से गुजर रहे हैं। शुक्रवार को खिलचीपुर की गाड गंगा नदी के पुल को पार करने के दौरान पानी के तेज बहाव में एक 11 वर्षीय बालक पानी में बह गया। बालक खिलचीपुर के सोमवारिया से गाड गंगा नदी के छोटे पुल को पार कर घर की ओर लौट रहा था। पुल पर तेज बहाव था, बावजूद उसके 11 वर्षीय बालक नदी के पुल से गुजरने लगा, तभी बीच पुल पर उसका पैर फिसल गया और वह पुल से नीचे पानी में बह गया। तभी इस बालक को बहता देख दूसरी छोर पर मौजूद बोहरा समाज के अक्सर अली ने तुरंत नदी में कूदकर नदी के तेज बहाव से बालक को बचा लिया। खिलचीपुर से पुरुषोत्तम शर्मा की रिपोर्ट। एक लड़का बहनकर गाड़ गंगा पूर आ रही थी, हमारी पुलिया पे ज्यादा पानी था, बहुत ज्यादा, उसमें से एक लड़का निकल रहा था तो धार में बहाव में उल्टे से बह गया पानी में, तो मेरे को लगा कि उसकी खोपड़ी नजर आई, मैं तो ये समझा कि डूब गया वो। फिर मेरे को उसकी खोपड़ी नजर आई तो मैं पुलिया पे से भगता हुआ कूद गया उसके, और बड़ी मशक्कत से बहते हुए पानी में से उसे निकाल के लाया मैं। अच्छा, तो पहचानते थे कौन है वो? नहीं नहीं, नहीं पहचानते। अच्छा, तो किधर से आ रहा था वो, तो कुछ पता लगा? वो उधर से आ रहा था, उस पार से, सुमरिया में से। अच्छा, नदी पार करके। राजगढ़ जिले के खिलचीपुर में किसानों की अतिवृष्टि से बर्बाद हुई फसल का मुआवजा देने की मांग को लेकर आज भाजपा के प्रदेश स्तरीय आह्वान पर खिलचीपुर तहसील चौराहे पर धरना आंदोलन किया गया। धरने को संबोधित करते हुए सांसद रोडमल नागर और पूर्व विधायक हजारीलाल दांगी ने प्रदेश की कमलनाथ सरकार पर किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने प्रदेश सरकार से किसानों की बर्बाद हुई फसल का प्रति हेक्टेयर 40,000 रुपए मुआवजा देने की मांग की है। वहीं किसानों की फसलों की क्षति का आकलन करवाकर बीमा कंपनी से मुआवजा दिलवाने की मांग की और चेतावनी दी कि अगर सरकार ने किसानों के हित में कदम नहीं उठाए तो बीजेपी सरकार के खिलाफ आगे भी आंदोलन करेगी। वहीं अन्य वक्ताओं ने कहा कि सरकार के मंत्री आपस में लड़ने में लगे हुए हैं, मुख्यमंत्री और मंत्री आज तक प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे ही नहीं, ऊर्जा मंत्री के होते हुए भी क्षेत्र में लाइट कटौती हो रही है। 2 घंटे तक चले धरने और भाषण के बाद सभी लोग नारेबाजी करते हुए SDM कार्यालय पहुंचे और सांसद ने राज्यपाल के नाम 21 बिंदुओं का मांग पत्र का ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। खिलचीपुर से पुरुषोत्तम शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, मांग ये है, किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है और इसलिए सबसे पहले तो किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए।
40,000 रुपये प्रति हेक्टर की दर से किसान को मुआवजा मिलना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, उनकी फसलों का आकलन होना चाहिए ताकि बीमा कंपनियां उनको बीमा दिलवाए। इसके लिए सरकार प्रयास करके और ये सुनिश्चित करे कि आकलन करे। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।